हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे RRB NTPC CV2 का लेवल 2, 3 एंड 5 का कौन कौन सा पोस्ट लेवल टू में कितने सीट है और किस सीट पे कितना रिजल्ट होने वाला है। सारे डिटेल के साथ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये लेवल टू की पोस्ट है। फिर नीचे आपको दिखाते हैं ये लेवल 3 की पोस्ट है, इसमें देख सकते हैं। फिर नीचे आप देख सकते हैं ये लेवल 5 की पोस्ट है, तो किस पोस्ट में क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, किस में कितना रिजल्ट होने वाले, किस में टाइपिंग है, किस में साइको है, सारा आप लोग देख सकते हैं। RRB NTPC CV2 लेवल 2, 3, 5 का एक्सपेक्टेड कटअप हम लोग देखेंगे। इसमें जॉन वाइज किस जॉन में कितनी कटअप रहने वाली है, और दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे इतने इतने जॉन में किस में टाइपिंग होनी है, किस में टाइपिंग नहीं होनी है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में देखे, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पटना जोन की ये कट ऑफ है लेवल 2, 3, 5 का टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों में देख सकते हैं ये पटना जोन की। फिर यहाँ नेक्स्ट में आप देख सकते हैं अहमदाबाद जोन की, तो अहमदाबाद जोन की कितनी सीट है देख सकते हैं लेवल 2, 3 एंड 5 का टाइपिंग नॉन टाइपिंग देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी OBC EWS SC ST PWD एंड एक्स सर्विस मैन का देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट में जो गुवाहाटी जोन की है इसका भी कट ऑफ तैयार किया, क्योंकि इसके भी एग्जाम नहीं है, फिर भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड हमने तैयार कर दिए, क्योंकि इतना ही रहने वाली, इससे आगे पीछे नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों इसमें देखे, फिर नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं ये तिरुवनंतपुरम जोन की कट ऑफ कितनी है। फिर सिलीगुड़ी कट ऑफ देख सकते हैं, फिर यहाँ आपको मुजफ्फरपुर की कट ऑफ देखेगी। तो दोस्तों ये कट ऑफ मैंने सिलीगुड़ी की कट ऑफ को पूरा एनालिसिस करके, हर जोन की कट ऑफ की एनालिसिस करके, बहुत से स्टूडेंट के रिव्यू लेके कट ऑफ मैंने तैयार किया है। तो ये कट ऑफ आपने देखिए किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी, ये भी आप लोग को इसमें हम बताएं किस पोस्ट पे कितना कट ऑफ जाने हैं। हर कट ऑफ को मैंने बारीकी से देखा और तैयार किया है। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर जरूर करिएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।